मित्रों, आज हाल ही में जो कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच में सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, इस विवाद की समाप्ति और इसके संविधान सम्मत मार्ग के लिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहाँ पर बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते पर डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से तीन तीन छह मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी है दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आम तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये तीन तीन मंत्री दो ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषा भाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमिटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि पूरे मामले में फेक ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कुछ फेक ट्विटर्स सर्वोच्च नेताओं के नाम से जनरेट किए गए और इसको फैला दिए गए हैं, और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों ओर की जनता की भावनाएं उद्वेलित होती है और घटनाएं जन्म लेती हैं। तो ये तय हुआ है कि जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं वहां पर FIR रजिस्टर की जाएगी और जिन्होंने किया है उसको भी जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से सर्वसम्मत निर्णय आज की बैठक में हुआ है। इसके बाद मैं दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गृहमंत्री नाते अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध जो भी हो, जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के सामने राजनीतिक कार्यक्रम ले सकते हैं, परंतु दोनों राज्यों की जनता के हित में और दोनों राज्यों की बॉर्डर पर अन्य भाषा भाषी जो लोग बस रहे हैं इनके हित में अब इसको कम से कम राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। एक कमेटी जो बनी है वो कमेटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस, NCP और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। धन्यवाद।